दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप IRCTC का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें कैसे रजिस्ट्रेशन करके घर बैठे ट्रेन का टिकट बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो प्ले स्टोर का आइकन है वो अपने मोबाइल में ढूंढना है और उस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप प्ले स्टोर के आइकन पे क्लिक करेंगे और उसमें जाकर के सर्च पे आपको लिखना है IRCTC। अब आपको इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल में। तो जैसे ही ये ऐप इंस्टॉल हो जाता है तो आपको करना क्या है, इसको ओपन कर लेना है। ओपन पे क्लिक करेंगे, ऐप ओपन हो जाता है। आपको ये जो अलाउ है वो अलाउ कर देना है उसमें। अब आपको IRCTC जो का जो आइकन है उस पर क्लिक करना है। तो जो ऑलरेडी पहले से ही यूज़र्स हैं वो यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं। नए यूज़र रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड करेंगे और ये सारी डिटेल्स आपको इसमें भरनी होगी। उसके बाद आपको नेशनलिटी, ये सब चीज़ें भरनी है। जो पासवर्ड आप भूल जाते हैं उस टाइम ये हेल्प करेगी आपकी। तो आप इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर आपको याद रखना होगा और जो आंसर आपको इधर सेव भी करना होगा। तो जब भी आप पासवर्ड भूल जाएंगे तो आप इस क्वेश्चन की मदद से अपना पासवर्ड रिकवर कर सकेंगे। तो ये सारी डिटेल्स आपको सेव कर देनी है और सिक्योरिटी आंसर है वो भी आपको लिखना है। तो जैसे ही आप सिक्योरिटी आंसर लिख देंगे, जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर है, जैसे मैंने सिलेक्ट किया था चाइल्डहुड हीरो और आंसर मैं लिख रहा हूँ शक्तिमान, और फिर आप नेक्स्ट कीजिए और एड्रेस और ये डिटेल्स आपको इसमें फिल करनी है। आपको अपना घर का एड्रेस लिखना है, स्ट्रीट का नाम लिखना है, एरिया का नाम लिखना है एंड कंट्री सिलेक्ट करना होता है। इधर आप अपना पिन कोड डालेंगे तो ये उस पिन कोड से रिलेटेड सिटी और उससे रिलेटेड जो एरिया है वो बता देगा, पोस्ट ऑफिस है वो। तो आपको ये सारी डिटेल्स भी इधर सिलेक्ट कर लेनी है। फिर अपना फ़ोन नंबर जो है वो आपको टाइप करना है। फ़ोन नंबर टाइप करके आप जो है नीचे जो टिक बॉक्स है उसमें टिक कर दीजिए कि ऑफिस का और घर का एक ही एड्रेस है आपका, ये आपको टिक करना है इधर। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये बता रहे हैं कि आपका अकाउंट बन चुका है। अब हम यूज़र आईडी और पासवर्ड जो हमने क्रिएशन में डाले थे वो इधर डालेंगे और पासवर्ड जैसा हमने डाला था उसी हिसाब से डालना है। अगर कैपिटल लेटर्स में लिखा था तो कैपिटल लेटर्स में लिखना है, स्मॉल लेटर्स वाले स्मॉल लेटर्स में लिखना है। और फिर ये जो कैप्चा दिया है ये आपको नंबर इधर डाल देना है। उसके बाद आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाता है। तो जब हम फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे होते हैं तो हमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे कुछ ओटीपी आता है, वो हमें वेरीफाई करना होता है। एक बार ईमेल आईडी और मोबाइल जब वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तो आपको टिकट बुक करने के लिए ये परमिशन दे देता है। और जो लोग मोबाइल से यूज करेंगे वो अपना पिन एंटर कर सकते हैं। तो अगली बार आपको पासवर्ड नहीं डालना पड़ेगा, सिर्फ ये 4 डिजिट के पिन से ही आप अनलॉक कर सकते हैं अपनी ऐप को। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से आप टिकट बुक कर सकते हैं। तो टिकट बुक करने के लिए से मुझे मुंबई से अगर दिल्ली जाना है तो मैं सोर्स में मुंबई डालूँगा और किधर जाना है उस जगह के लिए मैं दिल्ली सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब मुझे डेट सिलेक्ट करना है तो डेट की जगह मैंने मान लीजिए अक्टूबर में मुझे जाना है, नवंबर 2025
22 को, तो मैंने नवंबर 22 क्लिक किया और अब मैं सर्च आइकन पे क्लिक कर देता हूँ तो मुझे उस डेट को जाने वाली सारी ट्रेन्स मुंबई से दिल्ली की है वो ये बताएगा। अब मैं इसको डिपार्चर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकता हूँ कौन सी ट्रेन जल्दी जाने वाली है या लेट जाने वाली है, या वो ट्रेन्स कब पहुँचेगी उसके हिसाब से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे मॉर्निंग में पहुँचना है या इवनिंग में उधर पहुँचना है। इसके अलावा मैं ट्रेवल टाइम के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि सबसे जल्दी कौन सी ट्रेन पहुँचाएगी और सबसे लेट। तो आप देखेंगे राजधानी मुझे लगभग 15 घंटे में पहुँचा देती है। तो अब मैं अपनी चॉइस के हिसाब से एक ट्रेन सिलेक्ट करता हूँ। से मैंने बांद्रा से निज़ामुद्दीन का ट्रेन सिलेक्ट किया है और इसमें मैं कौन सी क्लास में मुझे ट्रेवल करना है, फर्स्ट एसी, सेकंड एसी और थर्ड एसी। अगर स्लीपर होता है तो वो स्लीपर भी अपीयर होगा। तो मैंने से सेकंड एसी सिलेक्ट किया है। अब ये मुझे बता रहा है टिकट्स अवेलेबल है इस ट्रेन में, तो आप अपना नाम, जिसकी नाम से टिकट बुक कर रहे हैं उसका नाम लिखना है आपको, उसका उम्र लिखना है यहाँ पे और उसका जेंडर लिखना है, मेल फीमेल जो भी हैं, और बर्थ सिलेक्ट करना है आपको, लोअर अपर बर्थ कंपलसरी नहीं, यही बर्थ आपको मिलेगा। अब आपको ये पूरी डिटेल्स आ गई है आपकी कि आपने कैसे सिलेक्ट किया है, कौन सी डेट है आपका। अब आपको इंश्योरेंस लेना है नहीं लेना है उस पर क्लिक करेंगे और फिर आपको टिक करना है बुक टिकट पे। तो जैसे ही आप बुक टिकट पे क्लिक करेंगे तो आपको उसका जो किराया होगा वो पूरा दिखेगा। तो किराया दिखने के बाद आपको इधर नीचे कैप्चा दिया होगा, वो कैप्चा आपको फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद आपको पेमेंट प्रोसीड करना है। पेमेंट प्रोसीड करेंगे तो आपको ये 3 तरीके से पेमेंट बताता है। ई वॉलेट से आप पेमेंट कर सकते हैं, पेटीएम, मोबीक्विक, फ़ोनपे, ओला ये सब से, और आप भीम ऐप के थ्रू भी अपना मोबाइल का पेमेंट कर सकते हैं। नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, इन सब से आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी आपका है पेमेंट का सोर्स वो सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद आप उस पर टिक कर दीजिए। से मैंने पेटीएम सिलेक्ट किया है तो ये मुझे पेटीएम का मोबाइल नंबर पूछेगा जो मेरा पेटीएम से लिंक है। तो आप जैसे ही मोबाइल नंबर उसमें डालेंगे आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, वो आपको इधर डालना पड़ेगा और ये आपका जो अकाउंट है वो पेटीएम में अगर अमाउंट होगी तो उससे पैसे निकाल करके आपका टिकट बुक कर देगा। तो इस तरह से आपका टिकट बुक हो जाता है। अब दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि ट्रेन में हम ट्रेवल कर रहे होते हैं और हमारा आरएसी टिकट होता है, या हमें पता नहीं होता है कि उस ट्रेन में कौन सा टिकट है वो खाली है, ये बुक नहीं है। तो इसके लिए भी मोदी सरकार ने काफ़ी अच्छी सुविधा प्रोवाइड की है। इसमें आप रिजर्वेशन चार्ट पे जाएंगे और जहाँ से जर्नी डिटेल्स है वो क्लिक करेंगे। जैसे अभी मैं ट्रेन नंबर डाल रहा हूँ 14816, और कौन सी डेट की जर्नी है, से 14 तारीख को मेरी जर्नी है, और मैंने ये स्टेशन का नाम डालते ही मुझे इसने बता दिया कि इस स्टेशन पे इन इन कोच में ये नंबर टिकट ट्रे जो सीट्स हैं वो वैकेंट है, वो खाली हैं, बुक नहीं हो रखी है। तो अगर मेरा आरएसी है तो मैं टीटी से बात करके इन टिकट ट्रेन सीट्स पे बैठ सकता हूँ या मैं ये सीट्स बुक कर सकता हूँ। अगर मुझे जाना है तो मैं ये सीट्स बुक कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छी सुविधा है, पहले इस चीज़ में काफ़ी ट्रांसपेरेंसी नहीं होती थी और कई बार आपसे नीचे की जो आरएसी का आदमी होता था उसको टिकट मिल जाती थी और आपका आरएसी काफ़ी ऊपर होने के बावजूद भी आपको टिकट नहीं मिलता।